It is time for assassinations. तो दोस्तों आपका स्वागत है वापस से Assassin's Creed Origins में. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट. आई एम ग्लैड कि आपको इस सीरीज में मजा आ रहा है. आप लोगों ने देखा पिछले एपिसोड में कि बायक हमारा assassin वो पहुंचा सिवा के गांव में. उसी का गांव है, लगता है वो तबाह हो चुका है एंड फैरो ने उस पर कब्जा कर लिया. उसके 5 मास्क वंस है, वो हमारे टारगेट है. पहला दी हेरोन मर चुका है, फिर था दूसरा दी आइबिस, वो अब हमारा टारगेट है. तो बढ़ेंगे वहीं से आगे दोस्तों, काफ़ी कुछ सीखना है अभी असैसिनेशन के बारे में. लेट्स गो. तो हमारे 2 क्वेस्ट खुल चुके हैं, एक साइड क्वेस्ट एक मेन क्वेस्ट. हमारा जो मेन क्वेस्ट है फॉल्स ओरेकल, उसके लिए सजेस्टेड लेवल है 5. हम जा सकते हैं अभी भी, लेकिन थोड़ा लेवल बढ़ाना पड़ेगा. लेकिन हम उससे पहले करने वाले हैं गियर अप. तो बायक मस्ट हंट वाइल्ड लाइफ टू क्राफ्ट सम बेटर इक्विपमेंट. ब्रेस्ट प्लेट बनाना अपने लिए एक. कॉल सेनू टू फाइंड न्यू क्राफ्टिंग मटीरियल्स. ये हुई ना बात. हमारा चील, हमारा सेनू, हमारा दोस्त कमाल कर देगा. प्रेस एक्स टू ट्रैक. ट्रैक क्या करूं लेकिन? मूव द रेटिकल टू टारगेट सॉफ्ट लेदर. सॉफ्ट लेदर है कहाँ पे? मतलब इतना स्मूथ उड़ रहा है ये, यहाँ पे क्या उड़ रहा है? ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है कुछ मटेरियल. ये नहीं चाहिए हमें, सॉफ्ट लेदर ढूंढना है. क्या लग रहा है ये? वहाँ पे है कुछ सॉफ्ट लेदर टाइप, 400 मीटर दूर. कुछ आसपास नहीं? सेनू की आंखें कितने दूर तक देख सकती हैं? यहाँ पे कुछ है 200 मीटर पे. ये रहा हमारा टारगेट. बूस्ट, फटाफट भी उड़ सकता है. अरे वाह, फ्लाइट देखो सेनू की, धमाकेदार. हवर मोड L2 से. ओके, अब मैं बिल्कुल फोकस कर सकता हूँ उससे. सेट तो कर दिया हम लोगों ने मार्कर. चल फिर वापस. प्रेस प्लेट बनाने के लिए हमें हंटिंग करनी पड़ेगी. चालू. चलो भाई, सीटी मारी. आजा मेरे ऊंट, मेरे ऊंट. अरे मेरा ऊंट मुझे छोड़ के चला गया क्या? अबे उठिए, कहाँ है तू? अबे सामने से आ गया, क्या बात है. चलो हुर्र. मार्कर हमारा सेट हो चुका है. थोड़ी सी हंटिंग एंड वी विल हैव अ न्यू ब्रेस्टप्लेट, क्या बात है. चारों तरफ हरियाली हरियाली, लोग ही लोग घूम रहे हैं एंड जहां पे भी सीनरी देख लो बहुत ही मजेदार. रेगिस्तान ही क्यों ना हो लेकिन इतना खूबसूरत दिख रहा है. मजेदार भाई, मजेदार. बस, उतर जा. आहा, कुछ हिरण का शिकार होने वाला है यहाँ पे. हेडशॉट चाहिए, हेडशॉट एक ही बार में. वू, नाइस. दूसरा कहाँ है? दूसरा कहाँ है? छुप गया क्या? बहुत सारा चाहिए होगा हमें. अरे देख लिया, भागा ये. बूम, व्हाट अ शॉट. भागते भागते को लूट डाला हमने. सॉफ्ट लेदर 3 निकला है इसके अंदर से. कितना चाहिए और? दिस विल बी एनफ, थैंक्स टू नेव, गॉडेस ऑफ हंटिंग. जय हो नेयत की, द गॉडेस ऑफ हंटिंग. बहुत भगवानों को माना जाता था एंड एंशिएंट इजिप्ट में तो बहुत सारे थे भाई, गॉड ऑफ ये, गॉड ऑफ ये, सबके अलग अलग भगवान एंड लोग उनको ऐसे पूछते थे, ऐसा पूछते थे. गो टू द क्राफ्टिंग सेक्शन इन गियर पेज टू अपग्रेड योर ब्रेस्ट प्लेट. वेपन्स तो है ही हमारे पास, आउटफिट भी है. बायक का आउटफिट सिर्फ यहाँ पे पड़ा हुआ है. मैंने अनलॉक तो किया था यूबीसॉफ्ट क्लब से लेकिन अभी कुछ नहीं दिखा रहा. तो हमें क्राफ्टिंग की तरफ आते हैं. ब्रेस्ट प्लेट इंक्रीज हेल्थ, मटीरियल्स रिक्वायर्ड 5 स्किन ऑफ डियर. लेफिर इंक्रीज हो गई हमारी हेल्थ, 353 तक पहुंच गए हम लोग. अभी लेवल 2 पे हैं. हमारा रेंज डैमेज 43, मेले डैमेज 50, काफ़ी कुछ है. अब नेक्स्ट के लिए हमें और भी चीज़ें चाहिए, जैसे ये स्किन एंड ग्रीन स्किन भी चाहिए. आई थिंक वो क्रोकोडाइल स्किन होगा. 13 लकड़ियाँ चाहिए ब्रेसर के लिए. यहाँ पे मोर फॉर स्टेबलाइजर ग्लव 13. दिस विल वर्क परफेक्टली. गियर अप मिशन कंप्लीट. हमारा छोटा सा साइड क्वेस्ट यहाँ पे एंड दूर मुझे दिख रहा है एक. फाइंड न्यू क्वेस्ट. व्हेन यू वांट टू फाइंड अ न्यू क्वेस्ट लुक फॉर क्वेश्चन मार्क और ये एक्सक्लेमेशन मार्क. योर ईगल कैन हेल्प यू फाइंड इट और यू कैन डायरेक्टली ओपन योर वर्ल्ड मैप.
ये है हमारा वर्ल्ड मैप एंड आप देख सकते हैं सामने मुझको दिखा है एक ईगल पॉइंट यहाँ पे, मतलब सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट हो सकता है, एक लीप ऑफ फेथ, हमारा पहला लीप ऑफ फेथ शायद। लेट्स गो चेक आउट। अगली बार तो सेनू को भेज के ही हम लोग सब कुछ सर्च मारेंगे यहाँ वहाँ। हाँ दिख गया एक टावर तो दिख गया मुझे। अरे चढ़ गया मेरा ऊँट, चढ़ गया भाई, पहाड़ियों पर भी चढ़ सकता है, यहाँ से नहर भी बह रही है। मस्त यार मस्त। आई होपफुली यहाँ पे कोई गुंडे वुंडे ना हो, वरना अपने स्किल्स तो बहुत खतरनाक है, कहीं पे भी चढ़ जाता है बंदा, छेद ही छेद बना रखे चढ़ने के लिए लोगों के। आराम से आराम से, देख घूमते घूमते आराम से ऊपर पहुँच जाएगा अपना लड़का बायक, भाई बायक है इसका नाम। कर देगा कमाल इस बार, असैसिनेशन ऐसी तगड़ी होनी चाहिए, यहीं से तो चालू है, बायक ही सबका ओरिजिनेटर है शायद, पहला असैसिन। The origins. Let's synchronize. गजब। पूरा सीवा ही इतना मस्त लग रहा है। एक चील है, इतने सारे चिड़िया भी उड़ रहे हैं यहाँ पे। Synchronization complete. Fast travel point मिल गया हमें। Let's perform our first leap of faith. Woohoo! मजा आ गया। यही सामने कुछ है एक। छोटे छोटे यहाँ पे काफी सारे हमें मिशंस मिल जाएंगे इंटरैक्ट। अवेलेबल क्वेस्ट वाटर रैट्स फैमिली रियूनियन लेवल 2 का। टेरामून नॉट लाइक हिम टू गिव अप। वन क्वेस्ट हैज बीन एडेड, फाइंड एंड रेस्क्यू टेरामून एंड द फार्मर्स। अगर मैं यहाँ सिवा की लोगों की मदद करूंगा तो वो हमारी मदद करेंगे। ये लेन देन तो लगा ही रहेगा, लेकिन ढूंढू तो कहाँ ढूंढू अब इनको। चल मेरे चील के बच्चे, उड़ पड़ा भाई। सेनू दिखा दे मुझे कुछ इंटरेस्टिंग सा। इंडिकेट्स योर टारगेट्स अप्रोक्सीमेट पोजीशन, रीच दिस जोन विद बायक और विद सेनू, तो हमें पता चल जाएगा वो टारगेट है कहाँ हमारा। उन फार्मर्स की जान हमें बचानी है। इतने दूर वहाँ क्या कर रहे हैं लोग भाई? बहुत सारे लोग सिवा के प्रॉब्लम में। द येलो लाइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ योर टारगेट, व्हेन इट बिकम्स अ सर्कल इट विल हेल्प यू फाइंड योर टारगेट। यही कहीं है क्या इन जंगलों में? सर्कल छोटा होता जा रहा है, वहां पे है डिफेंडिंग 272। सही, एक बार हम अपने चील से कहीं जाए तो वहाँ पे अपने बाइक को नहीं ला सकते, फिर बाइक को भी चलाना पड़ेगा इतने दूर तक, बिल्कुल पहाड़ी के दूसरी तरफ। यार टैग योर एनिमीज विद द ईगल। लेवल 1 के लोग ही घूम रहे हैं यहाँ पे, इन्हीं के कैंप में उनको पकड़ लिया। द फार्मर्स आर हेल्ड हॉस्टेज बिहाइंड द टेम्पल ऑफ अमून। पूरा टेम्पल है यहाँ पे अमून का, ट्रांसपोर्ट हो जा रही चीज़ें। अब हमारे पास ईगल विजन नहीं, अगर मुझे गुंडों को ढूंढना है तो यही सबसे अच्छा तरीका है। सेनू की आंखें, ईगल विजन तब बाहर थी, फिर लोगों ने डेवलप की होगी असैसिन्स ने ये टेक्निक, ये स्किल्स, कि हम खुद से अपने अंदर ईगल विजन ले आए, इनकॉर्पोरेट कर दिया अपने अंदर। आई थिंक अब मुझे खुद ही आना पड़ेगा यहाँ तक। चल बायक फटाफट तेरा मुंह को बचाने, तेरा मूम तेरी बहुत मदद करेगा भाई। एक बार ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए मेरा, यही लग रहा है यहीं से चलते। ओपन, आई नो नथिंग। उसको सताया जा रहा है यहाँ पे। उतर जा यहीं से, उतर जा भाई, मैं तो चढ़ाई स्टार्ट कर रहा हूँ। और तेरी खड्डा कहाँ गया? टेम्पल ऑफ अमून में हमारा बिल्कुल भी स्वागत नहीं है यहाँ, कुछ भी हो जाए छुपके छुपके जाना पड़ेगा अब मुझे। रखा कहाँ पे उसको? अभी हमारे पास आई डोंट थिंक सो एयर असैसिनेशन भी है। My family needs me. किसी ने देख लिया मुझको, किसी ने देख लिया, दो तीन लोग हैं इधर एक साथ। Enjoy slashing out some entrails. I hear you, Adelphi. Don't worry. लेवल 4 का बंदा है यहाँ पे, ये खेल टफ कर देगा मेरे लिए। अभी हम सिर्फ लेवल 2 पे ही आए थे। चिंता मत कर तेरा मुंह,
मैं आ रहा हूँ। फ्लमिंगोस तक उड़ रहे हैं यहाँ पे, उनका भी शिकार किया जा सकता है शायद। भाई टेम्पल ऑफ अमून के अंदर कितना ट्रेजर छुपा होगा, भगवानों को कितना सोना चढ़ाया जाता होगा इधर। एंशिएंट इजिप्ट की तो बात ही अलग है यार। झाड़ियों में क्या इसको खेती करवा रहे हैं? ऊपर टावर पे कोई नहीं है, नीचे मुझे कोई नहीं दिख रहा आसपास। और तेरी क्या छलांग मारी इसने, हेल्थ आधी कर ली। भाई तो मारी क्यों तूने ऐसी छलांग, इसका तो गया काम से थोपड़ा। टेक डाउन, बूम, एक मुक्का बंदा डाउन। लूटना मत भूलो किसी को भी। पानी कितना मस्त लग रहा है गेम में। अबे किसने देख लिया? अरे तेरी झाड़ी की, ये पेट पकड़ के बैठा हुआ है यहाँ पे। तीन चार लोग मेरी तरफ आ रहे एक साथ। Don't nod off. Keep your eyes open. बस अब तो मैं झाड़ी जा रही हूँ। Council. What in Seth's name is going on? Hey, hold on. Die, idiot. Boom. Understand the blaze. अबे तेरी। बैंग घुमा दिया, एक तो गया काम से। Target is in range. देखते भाई कौन है आर्चर। Boom, headshot. A soldier is trying to light the brazier. Stop him. तो ये कुछ जलाने जा रहा था यहाँ पे। अच्छा बाहर भी नहीं छोड़नी चाहिए वैसे। सबकी सब झाड़ियों में घुसा दो। लोग देख ना ले उनको। एक मर गया यहाँ पे, लेकिन दो तीन बेहोश भी पड़े हुए हैं। क्या हालत कर दी इनकी, पेट पकड़ के बैठ गया आराम से। बट टारगेट गया कहाँ? अभी तक तो दिख रहा था मुझको, यहाँ रहा, नीचे रहा। आसपास के लोग भी तो नहीं दिखते इधर। बायक बचाने तो आया, इसका मतलब ये नहीं तुम हल्ला करोगे। चलो जल्दी चलो, भागो यहाँ से सब लोग गांव की तरफ। गो, वेयर इज थेरमून? Ah, the Amun. He has died from his wounds. There are his family will want to bury him properly. तेरा मोम तो यहाँ पे यार मारा गया, जख्मी हो चुका था वो, यहीं पे मर गया वो। अब मुझे वापस गांव तक इसकी बॉडी को ले जाना पड़ेगा। भाग भाई भाग, अब फटाफट भाग। बीच में से भागूं या नीचे से भागूं? ऊंट आएगा कि नहीं? फटाफट फटाफट उठ, होपफुली मैं इसके ऊपर बैठा सकूं इसको। अरे सही, लाश चढ़ा दी इसने। हम भी निकले भाई ऊंट पे। अब भाग 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 भाग, ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रहा हूं मैं घुमाते हुए ही। बिल्कुल जीपीएस सिस्टम है इसके ऊंट पे, सारे रास्ते दिखा देता है ये। और बिल्कुल अपोजिट साइड में ये तो। भागते रहो तुम लोग, तुम तीनों यहाँ पे मत नाचो भाई, अपने अपने घर जाओ बीवी बच्चों के पास। बस एक बार फॉलो रोड दबा दो, वो रोड को अपने आप ही फॉलो करता रहता है वैसे। आराम से ले जा रहा है, क्या बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे, मतलब देखते ही रह जाओ। इतने बड़े बड़े स्टैचूज, इतने अमेजिंग आर्किटेक्चर तब के ज़माने के। पिरामिड्स कैसे बनाए गए वो भी दिखाए देंगे, तो भाई कमाल हो जाएगा। ये लोग तो सब डरे हुए देख के। तेरमूम की बॉडी, तुम्हारे गांव का वासी ये देखो, पैरों के लोगों के हाथों मारा गया। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई, उसका यहाँ से सारा दबाव। तेरमूम का घर ही जला दिया, पूरा फार्म जला दिया इन लोगों ने। I bring sad news. Where is Issa? She lies here with her son and daughter. The entire family. Sadly, I see Terramoon also paid the price for his recklessness. I warned him that his rebelliousness would bring torment and suffering. But what happened? They saw the soldiers coming and hid in the cellar. But the soldiers burnt the house to the ground to teach everyone a lesson. Ah, I am sorry. Put the body down there. They will journey to the Duat together. So many deaths in the Wahat. We cannot give them a proper burial. It is not your rebelliousness that got you killed, Seni. It is Ptolemy's sick regime. He is a bad pharaoh. Ptolemy
भाई जैसा फैरो है, उसने लोगों को सताने के लिए उनका घर जला दिया, उसके अगेंस्ट जो गया उसको पूरी फैमिली जला दी इसने। अब कहाँ रख दे इसको, इसकी फैमिली को कहाँ रखा गया है? इस टेंट के अंदर कितने लोग मारे गए, कितनों की यहाँ पे पूजा चल रही है, सबको ले जाना पड़ेगा, जला के राख पड़े हुए हैं, पूरी फैमिलीज फैमिलीज, पूरा गांव यहीं पे पड़ा हुआ। Find peace, Teramun. Quest complete. He will find more than he had here. Family reunion, but ऐसा reunion किसको चाहिए? हम level 3 पे पहुंच गए, damage and health बड़ी हमारी, एक ability point भी मिली है साथ में, तो एक point आया हमारे पास and लगता है XP का बहुत खेल है इसमें, जल्दी जल्दी हमारी level up हो तो अच्छा है, तो assassination XP में डालने वाले हम लोग, हो जाए तो मस्त है भाई। assassinate तो कर नहीं रहा वैसे, ये लोगों को knockout कर देता है जब भी देखो, assassination loot, हंटर की तरफ भी जा रहा है एक रास्ता, एक सीयर की तरफ, एक वॉरियर की तरफ, आप लोगों ने कमेंट भी किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब बायक के पास उस समय ये छोटा सा मैप नहीं हुआ करता था, मिनी मैप, लेकिन यहाँ पे आई शुड बी कॉशियस। ओ ओ ओ ओ, अब तेरी नहीं लड़ना मुझको, किसके टेम्पल में घुस गया मैं, अब तेरी जान ये तीर चला देगा मुझ पे। लोग गार्ड मेरे पीछे पड़ गए, यहाँ पे किसी का ऊंट पड़ा हुआ है, क्या बात है, चारों तरफ से तीर चल रहे हैं। चल भाई किसी और का ऊंट ही सही, ये काला ऊंट भी चलेगा। भाग 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 भाग, डू नॉट फॉलो देम। ये ऊपर अब जो कॉम्पस आता है टेंपल ऑफ अमून के पास, ये जो भी था, गलत जगह में घुसा हूँ, लोग मेरे पीछे पड़ गए, ले धनाधन भागे जा रहे हैं। चल 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 गलियों में से चल, गलियों में से चल भाई, जंगल के बीच में से। एंड ये ओएसिस ऐसी जगह है जहाँ पे लोग रह सकते हैं, क्योंकि वहीं पे पानी होता है पूरे रेगिस्तान में, वहीं पे घर बनाया जा सकते हैं, आबादी खिलाई जा सकती है वहाँ पे। मेरे सामने ही कुछ है यार, एक मार्केट प्लेस में आ गए हम लोग, मस्त। मतलब जो इन लोगों ने फिल कर रखा है ना, असैसिन्स की दुनिया हर समय इतनी बढ़िया फिल करते हैं ये लोग। और तेरी ये साउंड देखो भाई, इतने बड़े सिंह इसके, अबे घुसा घुसा ना दे, घोड़े भी है यहाँ पे, तो कमाल है भैया, कमाल है तुम तो। Greetings, friend. आहा, तो ये स्टेबल्स है, यहाँ पे हम लोग बाय कर सकते हैं रेयर माउंट। इतने कॉइन्स कहाँ से लाए यार हम लोग। गार्डियन, दिस कैमल वुड डू अ ग्रेट जॉब गार्डिंग योर स्टेबल। भाई काली में क्यों खर्च करूँ जब मेरे पास पहले ही पड़े हुए हैं, कुछ बेच भी सकता हूँ मैं, अपना कैमल बेच सकता हूँ जो सिर्फ 60 कॉइन का बिकेगा, पागल हो क्या? My thanks, safe travels. अरे सेनू मेरे हाथ में कैसे आ गया तू, चल यहाँ से। सांड भागे जहाँ देखो रास्ते में बैठ जाते हैं ये लोग। अरे 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 अरे, पूरी गड्डी आई, टक्कर मार दी इसने। कहीं पे भी छुप जाता है, इनको माउंट नहीं कर सकते हम लोग। What are you doing? I'm doing nothing, यार। पंगा लेने वाली बात है, इस पूरे शहर पे इन गार्ड्स का कंट्रोल है, सब जगह वही लोग दिख रहे हैं, कहीं मारना ना चालू कर दे मुझको। Ptolemy, he has brought great sorrow to us all. ये क्या बातें कर रहा है? Then the Grandmaster ruled in my favor, so I've got to destroy the statue. चुप रहे। बट टेक डाउन भी नहीं हुआ ये तो, और दे धमाका। ये कहां से आया? साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, हेडशॉट। बस बस यहाँ पे तो गधे भी घूम रहे हैं। ये लोग ये गार्ड कर रहे हैं ये कॉलोमी की स्टैचू। डरो मत, डरो मत, डरो मत तुम लोग। बे फेंक इसको, कहाँ तक उठा के ले जाएगा। लेट्स डिस्ट्रॉय दिस स्टैचू। एक एरो शॉट, होपफुली दिस विल बी इनफ। नहीं, डिस्ट्रॉय कैसे करना है फिर मुझे, लैग घुमा के और हाथ पांव तोड़ दिया। तुम्हारा बायक वापस आ चुका है। टॉलमी, टॉलमी उसकी नहीं चलेगी भैया। Get out of my way. What manner of fool are you? Not good.
सब लोग ही आ रहे हैं ऐसे लगता है अभी ये भी मारने आएगा मुझको स्टैचू ऑफ किंग सोलोमन टूटी but not the men behind it unka bhi hata denge kabza yahan se ye mera gaon hai sirf logo ke liye to blacksmith se bhi baat karne ke liye kaha tha yahan pe bayek the magi bayek hi hu main benny pe ab bata what happened to your blacksmith shop those naked yadat soldiers Ptolemy's captain saw me making a sword and accused me of being a rebel he was not wrong They confiscated my tools. Ah, bastards. All of Siwa needs a blacksmith. Even me. I cannot help you, Bayek. Not until I get my hammer and tongs back. And I have to get that ugly-ass Apap captain off my ass. Is this captain with the tools somewhere I can find him? At the foot of the hills west of here. Camp Shetje. I will get those tools back. And I will take care of the captain. बस तुझे मेरे लिए वेपन्स बनाने हैं। The captain who is behind this is in Camp Shetje as well. तो एक कैप्टन ने इसके सारे टूल्स छीन लिए, कोई वेपन्स नहीं बनाएगा शहर में। ये क्या बात हुई भाई? उसका काम ही यही है। यहाँ पे टेलर्स भी हमारे लिए। Weavers, we can buy stuff, outfits, 2000 के, 200 के। ओहो लेपर्ड आउटफिट अभी कुछ नहीं चाहिए हमको सबसे पहले इसके टूल्स लाओ फिर वेपन्स बना सकते हैं हम अपने लिए टू हिज हाइनेस टोलेमी द बेनिफैक्टर रूलर ऑफ द टू लैंड्स ये क्या चल रहा है भाई इट इज अ सेक्रेट ड्यूटी टू पे टैक्सेस टू द फैरो इट इज अ सेक्रेट ड्यूटी टू हीट हिम इन ऑल थिंग्स टू डू अदरवाइज इज अ बिट्रेयल ऑफ द गॉड्स कोड़े मारे जा रहे हैं यहां पे इनको पागल हो गए ये चल भाई ढूंढ निकाल इसको है कहाँ पे वो टास्क हमारा उस तरफ 380 मीटर दूर देखना पड़ेगा मुझको सेनु ही पता लगा सकता है ये सब कहाँ पे चीज़ें साथ साथ में हंटिंग भी चलानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है सेनु तो ये क्या है 90 मीटर दूर यहाँ पे एक और साइड मिशन भाई मिशन तो बहुत है आसपास कुछ तरह ट्रैक नहीं कर सकते इसको मतलब यहाँ पे हमें खुद आना पड़ेगा भाई साहब यहाँ पे इतने साइड मिशन हैं यहाँ पे इतने क्वेश्चन मार्क्स हैं अनडिस्कवर्ड एरिया है यहाँ पे भी एक पीछे हमारे क्वेस्ट चल रहा है कोई गुफे में घुसने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे एक ईगल विजन सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट एंड हमारा टास्क यहाँ पे है इसको मार्क करते हैं लेट्स गो देख लिया सेनु ने देख लिया टूल्स आसपास ही है कहीं पे जा रहा बंदा जा रहा है यहाँ पे ये कैसी आवाज़ें निकाल रहे सेनु टारगेट का लोकेशन मिल गया हमें एक और आगे की तरफ है वैसे दो दो जगह है फाइंड एंड गेट बेनिफेस टूल एंड फाइंड एंड किल द कैप्टन जो इसके टूल्स ले गया है एक जगह टूल्स है एक जगह इसका कैप्टन है किसी ने पीछे से देखा क्या मुझको कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बिल्कुल मेरी नज़रों के सामने कुछ है भाई कुछ तो रखा जा रहा है यहाँ पे टारगेट हैज़ बिन लोकेटेड लेवल 3 का कैप्टन तो दोनों यहीं पे है एक साथ सेनु से वापस बाइक में आने में भी इतनी लोडिंग लेता है ये क्या बताऊँ मैं अब सिवा के घरों के ऊपर से भागते भागते रूफ टॉप से भागते भागते इस छोटे से गांव से भागते भागते उस कैप्टन की तरफ ये सो रहा है कि मरा पड़ा हुआ है उसी के ऊपर चढ़ गया मैं बायक इज सॉरी मैन लेकिन ये टूल्स एंड ये कैप्टन दोनों हमारे हाथ लगने वाले हैं काफ़ी फोर्सेस होने वाले हैं लगता है मुझे यहीं पे इनके ओहो काफ़ी गार्ड्स होंगे यहाँ इस एरिया के अंदर आराम से रेस्ट्रिक्टेड एरिया भी सही चल फिर देखे तो ज़रा अपनी नज़र घुमाए तो ज़रा ये ऑटोमेटिकली मार्क कर देना चाहिए इसको जहाँ पे कोई दिखे एंड हमें कोई दिख भी नहीं रहा है सब लोग घर के अंदर चले गए क्या कोई है ही नहीं उस कैप्टन के साथ आसपास बहुत अच्छा मौका है ये तो बहुत ही अच्छा मौका है लेकिन मुझे भी तो अंदर से जाना है कहीं से बंदा दिख गया मुझको एक बंदा दिख गया
और सारों का नहीं पता ना वो लोग कहाँ खड़े होते हैं, वो कभी कभार अचानक से आ जाते हैं। मैं तो घुस जाऊंगा झाड़ियों के अंदर। Best not to draw attention here. कोशिश तो हम यही करेंगे कि बिल्कुल भी अटेंशन ना ड्रॉ करे किसी का भी, क्योंकि एक बार यहाँ पे पंगा स्टार्ट हुआ तो हम गए काम से। अभी भी ये नहीं बता पा रहा कितने लेवल का है वो, जिसको मार्क किया है बस उतना ही पता चलेगा हमको। एक बंदा उस तरफ खड़ा है, एक बंदा इस तरफ खड़ा हुआ है, एक इस कैंप के पास है। इनको मारना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। कोई अंदर तो नहीं? कोई नहीं है। टेंट के पीछे से आता हूँ मैं। धीरे धीरे यहाँ से मारना स्टार्ट करते हैं लोगों को। कुछ नहीं देखा तूने, कुछ नहीं देखा। टेक डाउन। एक तो गया। जल्दी उठा, जल्दी उठा, इसकी लाश उठा। अब उठाएगा नहीं इसको, ज्यादा हल्ला कर रहा है। बेनिपेस टूल्स, टूल्स भी मिल गया हमको। अबे शिट, वो इसी तरफ आ रहा है। अब ये क्या बात हुई? अबे ऊंट नहीं बुलाना है हमें। अर्जेंट मैसेज भी मिल गया। इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी कीप आवर फुट होल्ड इन सेवा। उसको शक हो रहा है, उसको शक हो रहा है, उसको शक हो रहा है। अबे एनिमस पल्स किससे जाती थी? द कैप्टन इज इन कैंप। शच्चा शतीजे के कैंप वाले, तू मरेगा बेटा आज। वो अलर्ट हो चुका है, कहीं बेल वेल ना बजा दे कोई। उसने घंटा बजाया तो हम गए काम से। अंदर ही आया वो सीधा। पीछे देख, पीछे देख, एंड टेक डाउन। सीधा कैप्टन को हमने पीछे से पकड़ा, एंड कैप्टन इज डाउन। लूट मार इसकी, लूट मार। अंदर आते ही एरो खाया है तो मेरे हाथ से, अंदर आते ही खाया है। ब्लडी कैरी क्यों कर रहे हैं? डुअल सॉर्ड कुछ खुल चुका है मेरा। फेंक भाई इसको। तो उसके गेयर में शायद अब डुअल सॉर्ड आ गया यहाँ पे। मोटिवेशनल डुएट, क्या बात है। लेवल 3 का वेपन एंड क्वालिटी 11, 5 से बढ़ा देगा डैमेज। एड्रेनलिन रीजनरेशन भी है इसमें। इक्विप, एंड हम लोग इनको डिसमेंटल भी कर सकते हैं। आई थिंक उससे हमें पार्ट्स मिल जाएंगे दूसरे अपग्रेड्स के लिए। देखे तो ज़रा, एक हाथ में डैगर, एक हाथ में सॉर्ड। ये हुई ना बात। अब भाग यहाँ से। इसके कंट्रोल्स थोड़े ऊपर नीचे, जिससे स्क्वायर से फाइट होने चाहिए उस पर रोल मारता है ये, जहाँ से क्राउच करना चाहिए वहाँ से कुछ और करता है, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग है भाई। टूल सारे मिल गए, असैसिनेशन ने अपना काम कर दिया है। अब भागो यहाँ से फटाफट, बस भाग अब यहाँ से। रात के अंधेरे में असैसिन निकल चुका अपना काम करके, वापस बेनिपे को उसके टूल्स लौटाने। एक और कार्य पूरा हुआ हमारा। ये हुई ना बात। सेवा पूरा अपने पीछे होगा भाई, फॉर ह्यूमैनिटी। Bayek, how did it go? बहुत अच्छा। Here are your tools. That captain won't ever come back here. At last, I can reopen my shop. Many thanks. My pleasure. I found these weapons I had hidden from the soldiers. Please, choose one for yourself. अरे वाह। Go ahead. कुछ नए weapons? They're all of equal value. सिर्फ एक ही। Examine. That bow uses a special twine. It does not strike deep, but you can shoot very quickly. Ah, quick hai, lekin zara damage nahi. Okay. Yahan pe kya hai? That spear, sharp and long. You can keep back and still hurt your enemies. This might be interesting too. Shayad main dual weapons ke saath apni shield use na kar paun. It is not large, but that mace can crack a skull with the best of them. Bayek, take care. Siwa is a dangerous place. The shield is made with bronze and leather. Good protection. Some weapons bounce right off it. इतनी छोटी सी शील्ड। चलो भाई इस बार बोल लेते हैं हम लोग। एक्स्ट्रा है नहीं हमारे पास। That bow uses a special. बस पहली पे बस। Come by my shop anytime, Bayek. Light bow मिल गई हमें level 4 का। Striking the anvil, mission complete and 400 XP वहाँ से जुड़ा हमारे पास। Level 4 पे भी पहुँच गए उसी के साथ। Damage, health increased. ये हुई ना बात। एंड उसी लेवल अप के साथ हम लेवल 4 का बो ले सकते हैं यहाँ पे, बिटर बो।
क्या बात, डैमेज भी बढ़ रहा है साथ से, क्वालिटी बढ़ रही है, हमारी रेट ऑफ फायर बढ़ जाएगा, कॉम्बो मल्टीप्लायर है इसमें, यही तो चाहिए, ऑसमनेस। एंड ये पर्पल भी ऊपर से रेयर है। सही अबिलिटीज, एक और पॉइंट हमारे तक ये हेड शॉट एक्सपी इंक्रीजेस। लो भाई हेड शॉट ही सही। आगे जाके हंटर्स इंस्टिंक्ट, प्रेस एक्स टू मार्क अ सिविलियन और एनिमी। इसी कैंप के पास एक और सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट भी था, उसी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। किसी से पंगा नहीं लेना, रात के अंधेरे में तो कौन मार के किसको चले जाए पता भी नहीं चलेगा। ऐसी कैप्टन को निपटाए, ये लोग हमें निपटा देंगे धीरे धीरे। बाहर निकल, बाहर निकल। चल सही, पहाड़ियों पे तो आराम से चढ़ जाता है ये, और ऊपर चढ़ते बनो, चढ़ते बनो। ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर्स कैसे बना देते थे उस ज़माने में ये लोग, कितना मैन पावर लगता होगा उस ज़माने में। चढ़ते जा, चढ़ते जा, किसी का आउटपोस्ट लग रहा है ये तो। कुछ लटक भी रहा है इस जगह पे तो। ये क्या तराजू टाइप लटका दिया इन लोगों ने, कबूतर उड़े यहाँ से। चढ़ूँ कहाँ से लेकिन, और ऊपर काहे नहीं चढ़ता तू बायक? इस तरफ से जाएगा, सीढ़ियों से जाएगा, मतलब नॉर्मली आदमियों की तरह जाना चाहता है। चटार वोट भी मिला है हमें। ये यहाँ से स्पीयर्स नहीं उठा सकता फटाफट, बड़ा लूट भी है यहाँ पे। स्पीयर मिल ही गया लेवल 4 का मुझे। मोर लूट, एमो इज फुल। अच्छा सिंक्रोनाइज करते हैं एक बार, रात के अंधेरे में भी सेवा। क्या लग रहा है उसके आगे, इतना बड़ा रेगिस्तान है। सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट, वर्ल्ड मैप अपडेटेड। I brought Hemu here not so long ago. Hemu? कौन Hemu भाई? The leap of faith. मतलब haystack. एक चीज है जो यहाँ ancient Egypt से लेके future तक हर बार एक assassin को बचाते आए यार। हर जगह haystack जरूरी होता है। घर में जाके लूट मचाए तो यहाँ पे तो scimitar ही हाथ में लग गया भाई। ये क्या है? अच्छा ये मेरा ही पुराना घर है। You found it. Can I have it back? अच्छा अपना ही पुराना घर था ये। मुझे अपनी पुरानी तलवार और ये छोटी सी गुड़िया, Hemu का गुड़िया। Hemu लगता है इसका बेटा था। एनिमस पल्स अप होल्ड करने के बाद आता है। काफ़ी कुछ है यार मेरे पुराने घर में, कॉइन्स ही कॉइन्स छुपा के रखे थे मैंने, सब ले जाऊंगा अपने साथ। क्यों छोड़ जाऊं मैं किसी के लिए, इसलिए कमाया था मैंने ये सब। बीवी बच्चे तो रहेंगे, दरवाजे तोड़े जा रहा हूं मैं। तो हमारी चील की तेज तरह नज़रों ने एक और साइड मिशन ढूंढ निकाला था। वो पहाड़ियों पर कुछ करने की कोशिश कर रहा था। एक आदमी एक गुफे के बाहर खड़ा हुआ था, देखते हैं हमारा ऊँट वहाँ तक पहुँच पाता है कि नहीं, इन गलियों में से। पहाड़ी से नीचे ना गिरा दूँ मैं बेचारे ऊँट को। जा तो रहे हम उसी रास्ते। अरे अरे अरे, आराम से आराम से, ऊँट नहीं मरना चाहिए इस कार्य में। और तेरी छलांग लगा दी, मेरे को नहीं पता था ऊँट इतने एथलेटिक हैं भाई, कूद फांग के कहीं पर भी पहुँच जाते हैं। ऊँट पहुँचे या ना पहुँचे, मैं तो पहुँच जाऊँगा। बंदा है यहाँ पे है बच्चा, क्या बात कर रहा है बच्चा? चेंजरा कौन है? चेंजरा बेटा Senuku, it is dangerous here, get on home. Bayek, you're back. Where is Chenzira? He wanted to see the skulls in the hyena den, but the hyenas came back. I ran this way. Chenzira then over by the tomb. You are lucky the hyenas didn't chase you. Go back to the village. I will find your brother. What? Do I have to tell my parents? Chenzira got you into this. He will have to talk to them. Now go ahead. Chenzira वापस आएगा तब ना। New quest, Hideaway. तो Chenzira is hiding inside Siva's mountain of the dead. Hyenas ने उसको chase किया यहाँ पे। एंड यहाँ पे जाके बंद हो गया। चलो भाई एक और एक्सप्लोरेशन एरिया यहाँ पे, माउंटेन ऑफ द डेड टूम। सारे गांव वाले बायक को जानते हैं, एंड बायक सारे गांव वाले को जानते हैं, बच्चे बच्चे का नाम याद है इसको।
Oh, there is scarabs, he scarabs. Some weakened walls can be broken. ये हुई ना बात, ये scarabs ही दिखाएंगे मुझको रास्ता. तोड़ा तोड़ा और धमाकेदार तलवार से ही तोड़ डाला इसने. मशाल है या नहीं और हमारे पास? अरे अनलिमिटेड बारूद ना हो ये, बस बूम फट पड़े. बारूद ही है क्या, उस पर आग लगी शायद. चेक करूं या नहीं करूं? टूम तो यार ये चारों तरफ जा रहे हैं, ये बच्चा कैसे मिलेगा मुझको? Chenzira, stay there. I'm coming to get you. Bayek, is that you? You've come back. Chenzira, चुप रहे. बहुत खतरनाक जगह ये, मजाक नहीं चल रहा यहाँ. हाई ना तेरे पीछे पड़े हैं. तू ऐसे टूम के अंदर है, कोई मम्मी अम्मी उठ के आ गई ना. और तेरी मम्मी की बात नहीं कर रहा, वो तो तुझे पीटेगी पीटेगी. दूसरे मम्मी की बात कर रहा हूँ, भूत वाले. How did Chenzira get through here? पता नहीं यार, चेंजुरा छोटा सा बच्चा है, कहीं से भी निकल गया हुआ. हमें तो लूट से मतलब है. ये क्या है? अगाथो को लिया, मदर ऑफ टैटी, वाइफ ऑफ मिनोटेप. अब कैसे कैसे नाम है इजिप्ट में यार, अजीब से काम है इनके. निकला कैसे यहाँ से? अच्छा, हिलाया जा सकता है इन सबको. बस बस, पूरी दुनिया हिला देगा तू तो. रास्ते तो खोल दिए हमने, इसको कैसे मूव करोगे तुम? पॉट्स को तोड़ के. चंजीरा चुप रह, मुझे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं. उठा ले उठा ले उठा ले. यस, मशाल बर्बाद नहीं होने चाहिए यहाँ. इतने बड़े बड़े पॉट, ये क्या से पॉट है? टूटेगा भी नहीं है तो. बड़ा लूट यहाँ पे. शील्ड मिल गई हमें लेवल 4 की. आहा, थाई मुई वत है, अ ग्रेट कैट. बिल्लियों को भी इनने मम्मी बना रखा है यहाँ. बस बस बस, यहाँ पे हमारा चील नहीं आ सकता, लेकिन काफ़ी है भाई, हमारा एनिमल्स भी काफ़ी है सारे ट्रेजर ढूंढ निकालने में. Are you all right? I can't believe you are back. You should not be in here. I'm hiding from hyenas. Fenuku told me about that. It is not enough to get yourself in trouble. Now you put your little brother in danger? But it's with Hemu gone. All right. I understand. Let's get you out of here. Bayek, look at that. What is it? I would like to know myself. Must be very old. ये बच्चे क्या क्या देख रहे हैं? बच्चे अजीब सी चीजें ढूंढने आ गए. That way, but that's where the hyenas are. Baya, I want to tell you. Well. What is it, Chenzira? It's my fault about Khemu. They asked where you were, and I didn't think it would hurt anybody if I told them. Chenzira. Don't feel bad. You had no way of knowing what they would do. Anyone would have done the same thing in your place. I guess. बच्चों की क्या गलती है भाई इसमें? Amun welcome Minotep, for he was possessed. भाई उस टाइम की सारी माइथोलॉजी इन चिट्ठियों में सब. ये है क्या टैबलेट? From the old kingdom. कुछ स्पेशल ताकत देगा ये हमें? रेडर्स ऑफ द लॉस्ट टूम. ये हुई ना बात, एक एबिलिटी पॉइंट यहीं से मिल गया, ये पुराने स्क्रिप्चर्स पढ़ के. चल भाई टकलू, छोटू आजा. कीप क्लोज, बाइक से ज्यादा दूर मत जाना. देख ले, हाइना इसी रास्ते में, बाहर निकलने का रास्ता भी यही. मेरे बेटे ने भी कैसे दोस्त बना रखे. और आराम से फिसला फिसला फिसला, बिल्कुल नीचे खड्डे में. हड्डियाँ ही हड्डियाँ पड़ी है यहाँ पे, लूट के नाम पे. हाइना इसका कोई अता पता नहीं. भाई आग भी है हमारे पास. ओहो हाइना, तेरी हाइना की तो हाइड. बस बस बस, डैगर से ब्लॉक एंड ये पड़ा पीछे से, एक हाइना डाउन. काटेगा मुझे, काटेगा तू.
जानता नहीं मैं बायक हूँ। अबे हेल्प मी कौन क्यों आ रहा है ये पागल कहीं के? तुझे कुत्ते ने पकड़ लिया क्या? कहाँ है ये? पागल है ये, बिल्कुल पागल है ये। लेपर्ड, लेपर्ड भी आ गया यार यहाँ पे हाइना के साथ, लेवल 2 का लेपर्ड। ओप कूदते हुए आ गया ये। एक साथ दे इसको, एक साथ बूम असैसिनेशन, इसका तो एग्जीक्यूशन कर दूंगा मैं। गया गया गया, लूट भी मिली है यहाँ से। अरे सही, पेल्ट मिल गया उसका। अब तुम बच जाओगे हाइनास। You better get home. Quest complete. Can I ask you something? Go on. Could I be a merchant like you one day? Well, you can start by looking out for your brother and not taking him to dangerous places. I promise. Now get back home. निकल भाई निकल, मैं जाय बनना चाहता है। अभी इतना छोटा सा बच्चा है, बायक के कदमों पे मत चल भाई। असैसिन्स ब्रदरहुड, ये सब आसान काम नहीं, बहुत पेचीदा काम है। हाँ हाँ, दो हिरण मेरे नज़र पे। और तेरी, इसको होल्ड नहीं कर सकते हम लोग। ये वाला बो एंड एरो तो फटाफट चला रहा है, जो भी चला रहा है एक ही साथ होल्ड करके रखो। ये तो दे धनाधन, और भयंकर है ये तो। हंटिंग चलते रहे यहाँ पे, लेदर वेदर मिलता रहे तो मस्त है। सब भागे एक साथ, आसपास कोई लूट नहीं। वही हंटिंग के लिए हमें सेनू की नज़र ही चाहिए। जानवर भी बहुत मिलेंगे। ये जिंदा है मरा हुआ है? अरे तेरी, मरे हुए हमें लूट तो दे दे कम से कम। बिल्कुल पानी के पास आ गए। और कौन से जानवर मिलेंगे हमें यहाँ पे? कितने चिड़िया हैं यहाँ पे। अरे मर गया मर गया, ये भी मर गया। अरे वाह, आई थिंक चिड़ियों के पंख वंख भी काम आएंगे बोज एंड एरोज बनाने में। तो काफ़ी कुछ नया मिल गया हमें। एक पूरा ग्रूसम मैटॉक भी मिला है, लेवल 4 का है ये। एंड एड्रेनलिन ऑन किल, ब्लीडिंग ऑन हिट, ये मस्त होगा। आई थिंक ये 2-handed वेपन है। आई डोंट थिंक हम लोग शील्ड यूज़ कर पाएंगे साथ ही साथ। लेकिन काफ़ी कुछ पुराना भी हो गया हमारा मेस एंड ये पुराना सॉर्ड लेवल 1 वाले। इसको मैं डिसमेंटल करके देखता हूँ। ब्रॉन्ज मिला है इसके अंदर से। अच्छा, लेवल 1 वाली चीज़ें तो फोड़ ही सकते हम लोग, उनकी क्या ज़रूरत है। शील्ड एक नया मिला था हमको, लेवल 4 का वुडन शील्ड। एक और पॉइंट मिला है हम लोग वॉरियर में डालने वाले, एयर अटैक। भाई ऊपर से अगर हम कूद के ना मार पाए तो क्या फ़ायदा असासन का? ये तो लेना ही लेना है भाई, ये तो शुरुआत से होनी चाहिए हमारे पास। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, ये था आज का एपिसोड। आई होप आप लोगों को मजा आया। फटाफट लाइक ठोकना ना भूलिए फॉर मोर। एंड मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको साइड मिशंस देखने हैं या नहीं। आज तो सारे ही साइड मिशंस थे, अब हमारा लेवल अप हुआ है, अब हम मेन मिशन की तरफ जाएंगे। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगता है कि साइड मिशंस करें, लेवल अप करें, फिर एक मेन मिशन आए, तो फटाफट लाइक ठोक दीजिए। उसके लिए सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद मोर असैसिन्स क्रीड ओरिजिन्स। तब तक के लिए बाय बाय।